भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और नागपुर निवासी उमेश यादव को उनके मैनेजर ने प्रॉपर्टी के नाम पर 44 लाख का चूना लगाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उमेश यादव को उनके ही मैनेजर शैलेश ठाकरे ने जमीन खरीदी के मामले में 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेश यादव हमेशा मैच खेलने के लिए बाहर रहते हैं, इसीलिए अपने कामों के लिए उन्होंने शैलेश ठाकरे को रखा था। उमेश ने शैलेश को एक जमीन खरीदने के लिए उसके अकाउंट में 44 लाख रुपए डाले थे, मगर शैलेश ने पैसे देकर वो जमीन खुद के नाम पर खरीद ली और उमेश को पैसे भी नहीं दिए। आखिरकार उमेश ने शनिवार को कोराड़ी पुलिस थाने में शैलेश ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उमेश की शिकायत पर शैलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच चल रही है। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है उमेश यादव, जो नागपुर के रहने वाले हैं, उनके एक परिचित है शैलेश ठाकरे करके, तो उनके साथ उन्होंने एक प्रॉपर्टी लेने के लिए उनको 44 लाख पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसों में से उन्होंने उमेश यादव इनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेते हुए खुद के नाम से प्रॉपर्टी ली है और उनके साथ धोखाधड़ी की है। ये व्यवहार उनका, उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे डाले थे और जो आरोपी है वो उनके पहचान वाले हैं, पहले से पहचानते हैं और कुछ दिनों के लिए वो उनके मैनेजर करके काम करते थे। इस सब मामले में पुलिस स्टेशन कोराड़ी पे गुना दाखिल हुआ है 20/23 का, उसमें सेक्शन है 406 और 420। हम लोग को जो उन्होंने कोर्ट किया है वो अमाउंट 44 लाख का है और वो जो प्रॉपर्टी है वो नागपुर की करीबन 6 या 9 साल पहले उनके ध्यान में आया था, तो उनके साथ उन्होंने संवाद किया और जब उनको पता चला कि उनकी फसवणूक हो रही है वो पुलिस के पास अप्रोच हुए, तो हमने उसमें गुना दाखिल किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।